हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है उज्बेक मकोम फोमगुले की। कंटेक्स्ट क्या, पहले तो हम देखते हैं। देखो, सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के द्वारा अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फोरम का एक आयोजन है वो किया गया था, तो वो हमें ध्यान में रखना है। कौन सा इंटरनेशनल फोरम था? वो था मकोम इंटरनेशनल फोरम, जिसका बेसिकली आयोजन है वो किया गया था। तो मकोम है क्या, पहले तो हम ये जानते हैं। मकोम है वो, देखो, एक संगीत की प्रणाली है, मतलब एक संगीत की एक कला है, एक आर्ट है। तो ये एक तो हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी मकोम के बारे में पूछ सकती है कि मकोम है क्या। इट इज टाइप ऑफ ए आर्ट, मतलब एक तरह की आर्ट है, एक तरह की कला है, जो कि तार और जो वाद्य यंत्र होते हैं उनकी हेल्प से, मतलब बजाई, आप बोल सकते हो कि गाया जाता है। इस तरह से संगीत की जो प्रणाली है वो है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो इसके संगीतज्ञ जिनका नाम है उस्ताद इकबाल अहमद खान, इनको बेसिकली यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है एक तो कि मकोम आर्ट से रिलेटेड कौन है, या आप पूछ सकती है कि उस्ताद इकबाल अहमद खान है वो कौन से संगीत प्रणाली से रिलेटेड वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। लगभग 50 साल से भी ज्यादा वो पॉपुलर है इस मामले में, और वो बिलोंग करते हैं दिल्ली घराने में। देखो, हम सब लोगों ने एक चीज डिस्कस की है और हिस्ट्री में पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर में, कि इंडिया के अंदर जो भी मतलब संगीतज्ञ थे, ये नहीं क्या अलग अलग घराने थे, जैसे कि ग्वालियर घराना था, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, ऐसे छोटे छोटे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एरिया में बटे हुए थे। तो उसी तरीके से दिल्ली घराने से जो बिलोंग करते हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी उनका अद्वितीय योगदान है वो रहा है, इसलिए वो जाने भी जाते हैं, और अभी उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। तो हमें दो तीन चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक तो उज्बेकिस्तान के बारे में, तो हम एक बार तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ये है सेंट्रल एशिया का मैप आपके सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सेंट्रल एशिया के मैप की बात करें तो बेसिकली आता है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसी के साथ एक कंट्री और है। कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री और रह जाती है, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है, जिसका नाम है कजाकिस्तान। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कजाकिस्तान। यहाँ पे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो यह हमें ध्यान रखना है। कजाकिस्तान है वो लैंडलॉक कंट्री है सबसे बड़ी, क्योंकि कैस्पियन सी है वो आपको पता है वैसे सही है नहीं, एक तरीके लेक है, तो इसलिए ये हमें फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। चलो, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये सी है ये कौन सा, इसका नाम क्या है, कौन सा सी इन दोनों को, मतलब बीच में यहाँ पे बॉर्डर पे सी है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे लिए बेसिकली होती है, और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। तो ये तो हमने इसकी मेन जो लोकेशन है वो भी यहाँ पे एक बार देख ली है। अब चलते हैं आगे। अगली बात यहाँ पे क्या है कि इंडिया के कौन से संगीतज्ञ हैं जो इससे बिलोंग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है उस्ताद इकबाल अहमद खान है वो एक्चुअली मकोम आर्ट के लिए फेमस। मकोम है क्या? मकोम एक संगीत की एक प्रणाली है, एक संगीत की कला, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मकोम आर्ट का जो इंटरनेशनल फोरम है वो यूनेस्को की शरण में, यूनेस्को के अंडर है वो आयोजित किया जाता है। तो बस एक छोटा सा फैक्ट थोड़ा हमें ध्यान में रख के आगे चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो देखो आर्टिकल आया है वह है ऑटोमिक एनर्जी कमीशन को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि ऑटोमिक एनर्जी जो कमीशन है, इसके अभी जो सेक्रेटरी हैं वो नए अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम है नए सेक्रेटरी का? वो नाम है कमलेश नीलकांत व्यास। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कमलेश नीलकांत व्यास है वो अभी ऑटोमिक एनर्जी कमीशन के नए सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट है वो हुए हैं। तो एक बार तो हम थोड़ी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में जानते हैं, फिर इसके चेयरमैन और अदर मेंबर और इसका काम क्या है वो हम देखते हैं। देखो, 1948 में अगस्त में बेसिकली एटॉमिक एनर्जी कमीशन का निर्माण है वो किया गया था। जब स्टार्टिंग में इसे बनाया गया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, तब बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत, क्योंकि उस टाइम पे यही डिपार्टमेंट था साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत बेसिकली एटॉमिक एनर्जी कमीशन का निर्माण है वो कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ, 1954 में गवर्नमेंट ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जो कि प्रेसिडेंट रूल के तहत बनाया गया था, मतलब राष्ट्रपति के एक ऑर्डर के तहत बनाया गया था। वो था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा कि 1954 में
प्रेसिडेंट रूल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो बनाया गया, जो कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है। मतलब ये जो भी सारी अपनी रिपोर्ट्स हैं वो पीएमओ को सौंपता है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस होता है उसको डायरेक्टली ये सारी रिपोर्ट है वो भेज जाती है। तो 1954 से एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आने लग गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो क्या डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो जी अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह केवल 1954 तक ही आता था। 1954 के बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत है, वो ट्रांसफर कर दिया गया था। तो यह हमें ध्यान में रखना है। देखो जैसे कि जो हमें इस चीज का पता है कि आर्टिकल 35 एक काफी न्यूज में रहता है जम्मू कश्मीर को लेके, वो भी एक प्रेसिडेंटियल रूल के, एक राष्ट्रपति की रूल के, एक बोलते के क्वार्टर के तहत ही इंडिया में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, वो किया गया था। उसी तरीके से जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिपार्टमेंट है ये भी एक प्रेसिडेंटियल रूल ऑर्डर के तहत ही इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पुट है, वो किया गया था। तो यह ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, केवल इसे बाद में ऐड वगैरह यहाँ पे किया गया, तो छोटा सा इफेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की। देखो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी ही होते हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करती है, और जो भी ये IAS ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं इनके तहत इनको बेसिकली अपॉइंट है वो किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करें अदर मेंबर की, तो जो अदर मेंबर होते हैं इस कमीशन के वो बेसिकली सेक्रेटरी हैं, वो प्रधानमंत्री को एडवाइस देते हैं कि भाई आप इनको अपॉइंट वगैरह कीजिए, और आपस फिर विचार विमर्श के तहत उनको अपॉइंट है वो किया जाता है। काम क्या है? काम इसका यह है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कि इंडिया में जो भी एटॉमिक या परमाणु शक्ति के बारे में रिसर्च वगैरह हो रही है उसको प्रमोट करना, इसके साथ ही जो भी साइंटिस्ट हैं उनको मतलब अवेयर करवाना, नए जमाने की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताना, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। क्योंकि देखो हमारे देश में आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें भी एटॉमिक एनर्जी यूज हो रही है, तो उसके लिए रिसर्च भी काफी जरूरी होती है, और वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी मुहैया करवाई जाती है। इसके साथ ही इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी उसको प्रमोट किया जा सके ताकि और अच्छे साइंटिस्ट हैं वो आ सके, ये बेसिकली काम किए जाते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा। ट्रेनिंग हुआ, प्रमोशन हो गया, इसके साथ ही जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें रिसर्च वगैरह को प्रमोट करने के काम बेसिकली किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को कोई भी एडवाइस वगैरह देनी है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड तो वो इन्हीं के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट क्या है, कि कोई खाने की सप्लाई करने के लिए है, या फिर जो ऑल गुड्स हैं कोई भी तरह के गुड्स यूपीएससी दे सकती है एग्जाम में, कि जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो हम सप्लाई करने के लिए है, या फिर कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इंडिया से जो रिफाइंड डीजल है, मतलब जो प्यूरिफाइड डीजल है उसको बांग्लादेश में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब इंडिया में रिफाइन होगा फिर बांग्लादेश में ट्रांसफर है वो क्या जाएगा। तो एक तरीके से डीजल को ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली स्टार्ट हो की गई है। कहां से? वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी से लेके एक बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है प्रभातपुर, तो वहां पे बेसिकली प्रभातीपुर के अंदर बेसिकली ये लाइन है वो की गई है। मतलब सिलीगुड़ी से लेके प्रभातीपुर के बीच में एक लाइन है वो बिछाई गई है 130 किलोमीटर लंबी। ये 130 किलोमीटर जो लंबी पाइपलाइन है इसमें 6 किलोमीटर का एरिया तो इंडिया में कवर होता है और बाकी 124 किलोमीटर का एरिया है वो बांग्लादेश में कवर है इस लाइन के द्वारा बेसिकली होता है। मतलब मैक्सिमम जो इस लाइन का हिस्सा है वो बांग्लादेश में इंडिया के बॉर्डर के आसपास है, तरीके से बोल से सकते हो। कंटेक्स्ट अभी ये था कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, तो उनके द्वारा अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन है वो किया गया था। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, यह कोई पेजल वगैरह के लिए नहीं है, यह केवल डिफाइंड डीजल है वो बांग्लादेश में प्रोवाइड करवाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है एक्साइज अविंद्र के बारे में। एक्साइज अविंद्र है क्या वो हम देख लेते हैं। देखो इंद्रा नाम आ गया, तो जहां भी आपको बता दूं एक ट्रिक कि इंद्रा नाम आ जाता है कोई भी एक्साइज में, इसका मतलब वो रशिया के साथ हमारी एक्साइज है। अब यहाँ पे एवियन इंद्र है, एवियन का मतलब एक्चुअली आपको पता है कि उड़ियन मंत्रालय होता है, एक तरीके से यहाँ पे उड़ियन मंत्रालय से रिलेटेड वर्ड है, तो मतलब उड़ान भरने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि एयरफोर्स रिलेटेड है, नेवी वगैरह नहीं है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि इंद्रा एक्साइज है वो बेसिकली इंडिया की रशिया के साथ होती है, अकेली इंद्र आती है तो वो आर्मी एक्साइज है, एवियन इंद्र है तो वो यहाँ पे एयरफोर्स की एक्साइज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
तो इस बार का जो एडिशन है एक्साइज एवेंटा का, वो बेसिकली रशिया के अंदर या रशिया के द्वारा होस्ट है वो किया जा रहा है। 2014 के में बेसिकली स्टार्ट एक्सरसाइज है वो की गई थी। काम बेनिफिट क्या होंगे, एक तो आपस में रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे, इसी के साथ ही नई स्किल है, नई टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे सीखने की मिलेंगी, और जो रशियन फेडरेशन है उसके नए कॉन्सेप्ट, नए जो उसके एयरक्राफ्ट हैं वहां से हमें कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज है वो भी यहाँ देखने को हमें मिलेगा। तो बस दो फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं बेसिक एक्सरसाइज से रिलेटेड। पहला पॉइंट तो ये है कि आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी है कौन सा, दूसरा कौन सी कंट्री के साथ है। तो मैक्सिमम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि कौन सी कंट्री के साथ है, क्योंकि यूपीएससी मेज द फॉलोइंग में ज्यादा पूछती है ऐसे क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए कि एवेंद्र है वो बेसिकली रशिया के साथ रिलेटेड हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लेके, ड्रिप प्रोजेक्ट को लेके आया है। देखो हमारे देश में आपको पता है कि इस साल बारिश हुई, काफी स्टेट के अंदर बाढ़ आई, काफी जानमाल के नुकसान या क्षति है वो देखने को हमें मिली। तो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज में रिपोर्ट्स में, काफी रिपोर्टों में चीज सामने भी आई है कि हमारे देश में जो भी डैम या बांध बनाए गए हैं वो देखो काफी पुराने होते जा रहे हैं। आज उनकी रिनोवेशन की, आज आप बोल सकते हो कि उनकी मरम्मत की काफी जरूरत है, मतलब कहीं ना कहीं हमें उनकी हालत सुधारने की काफी जरूरत है। उनका मेंटेनेंस तो करना ही करना है, उनकी देखभाल करनी है, ये सारे काम हमें करने होंगे। तो डैम को वापस से रिहेबिलिट करने के लिए और उनमें जो भी कुछ खामियां है उनको इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है। 6 साल का यह प्रोजेक्ट है, बेसिकली 2014 में ये प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। और सबसे अहम बात है कि इसमें जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग है वो दी गई है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। काम क्या है इसका, काम यही है कि जो भी डैम है उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा, अगर डैम लग रहा है कि हालत ठीक नहीं है तो उनको रिनोवेट है वो किया जाएगा, इसके साथ ही उनकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उनको भी बूस्ट किया जाएगा, उसकी कैपेसिटी के मतलब कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जैसे कि देखो इस बार केरला के अंदर जो फ्लड आई तो उसमें एक इशू ये आया कि जो भी डैम थे उनको कहने की ढंग से उनकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं की गई थी, तो जो ही पानी ऊपर आने लगा तो ऐसे लगा कि डैम टूट सकता है, तो इसलिए पानी रिलीज कर दिया गया और फिर फ्लड का कारण बन गया। तो कहीं ना कहीं डैम की परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करनी होगी, डैम की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करनी होगी, तो इन सब कामों के लिए प्रोजेक्ट है वो चला गया है। तो अभी इसको लेके कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने कुछ अप्रूवल वगैरह दिए थे उसको लेके न्यूज आई है, तो वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो है क्या। देखो बेसिकली यह जो प्रोजेक्ट है यह चलाया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, क्योंकि केरला में इस बार भारी तबाही मची थी और कर्नाटका में और उड़ीसा के अंदर भी पानी फ्लड के चांसेस है वो हो गए थे। तो डैम की जो हालत है उसको ठीक करने के लिए ये सब, इतना याद नहीं रखना कि कितने डैम है वो इसके अंदर ठीक वगैरह किए जा रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड बैंक है वो इसमें हमें फंडिंग है वो प्रोवाइड है वो करवा रहा है। बेसिकली 3 फेजों में ये काम है वो किया जा रहा है, ये मोटा मोटा थोड़ा आइडिया हमें पता है इसके बारे में होना चाहिए। इसके साथ ही जो छोटा सा फैक्ट आप याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि इंडिया को जो लोन मिल रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू डेवलपमेंट के लिए ये बेसिकली 30 साल के लिए मिल रहा है, मतलब 30 साल के अंदर इंडिया को इसे वापस देना है, और इंटरेस्ट रेट है वो है बहुत ना के बराबर, 1% इंटरेस्ट रेट पे इंडिया को लोन है वो मिला, मतलब काफी सस्ता लोन इंडिया को बेसिकली प्रोवाइड करवाया गया ताकि इंडिया डेवलपमेंट है वो कर सके। और अहम बात यह है कि सेंट्रल वाटर कमीशन है वो इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करेगा, गाइडलाइन है वो प्रोवाइड करेगा, मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन है वो एक तरीके से यहाँ पे एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम है वो करने वाला है। अब चलते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में, कंटेक्स्ट क्या है पहले तो हम वो देखते हैं, इसके साथ ही फिर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में जानेंगे। देखो फूड एग्रीकल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा भी एक एग्रीकल्चर आप बोलते हो प्रोजेक्ट या एक कृषि परियोजना है वो स्टार्ट की गई है। क्यों वो परियोजना इसलिए स्टार्ट की गई है ताकि बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता और जो फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट का एरिया लगातार डिग्रेड होता जा रहा है, उनके अंदर जो भारी त्रेसा होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली यह प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में इंडिया वो भी पार्टिसिपेट है वो कर रहा है, ऐसा क्यों, ताकि इनको कंजर्व है वो किया जा सके और हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस हैं वो आ सकते हैं उनको भी यहाँ पे फोकस है वो किया जा रहा है। तो यह कुछ फैक्ट्स हैं, तो हमें इसके बारे में कंटेक्स्ट काफी अच्छा है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है। कंटेक्स्ट एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट और फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन की एक एजेंसी है, इसके द्वारा अभी एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका मेन मोटो ये है कि जैव विविधता
और जो फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप हो रहा है इनको कंजर्व करने के लिए जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस ला सकते हैं, उन परिवर्तनीय परिवर्तनों को लाने के लिए। परिवर्तनीय परिवर्तन का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस, मतलब कुछ नए चेंजेस हमें लेके आने ताकि बायोडाइवर्सिटी का भी नुकसान नहीं हो और फॉरेस्ट एरिया है उसको भी कोई नुकसान ना हो। इस तरह की एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट को हमें आगे लाना है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है, वो किया गया है। अब इसमें जो फंड दिया जाएगा सारा एफएओ, भाई प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर रहा है, फंड तो दिएगा जाएगा, वो फंड है वो दिया जा रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड के द्वारा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जिसको बोलते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा फंड। तो ये एक फैक्ट बन जाता है। और यह जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा फंड का, ये जो काम है प्रोजेक्ट, ये किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, वो दोनों मिलकर यहाँ पे काम वो करने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है और इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना, इसलिए दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। काम क्या होता होगा इसमें, लैंड डिग्रेशन मतलब लैंड की जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है उसको कंजर्व किया जाएगा, इसके साथ क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट पे उस पर फोकस किया जाएगा। ऐसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे मतलब ऐसी हमें खेती करनी है जिससे कहने की हमारे क्लाइमेट को नुकसान वो कम पहुंचे, इसके साथ ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा। तो ये सारे काम इसके तहत किया जाएंगे। एक तरीके से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सीधा सीधा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको बचाने के लिए हमें ऐसी खेती करनी है ताकि उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए बेसिकली प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। अब हम बात करें इंडिया में प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे, देखो ये प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इंडिया के 5 स्टेट है, कौन कौन से हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है। एक तो है मध्य प्रदेश, एक है मिजोरम, एक है उड़ीसा, एक है राजस्थान और एक है उत्तराखंड। इनमें बेसिकली ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट है, वो किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये 5 स्टेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लैंड डिग्रेड है वो काफी ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी पड़ रहा है, कई जगह काफी ज्यादा सूखा पड़ता है, कई जगह फ्लड का इफेक्ट आता है, और इन सब चीजों को ज्यादा फोकस है वो किया जा रहा है। और उत्तराखंड में आपको पता है काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, तो काफी सेंसिटिव एरिया भी हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड के बारे में। देखो बेसिकली 1992 के टाइम पे मतलब 1992 में जब रियो सबमिट हुआ था उसके तहत बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड है वो बनाया गया था। बनाया क्यों गया था, क्योंकि देखो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ता जा रहा था, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखने को मिल रही थी, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट है वो खतरे में पड़ रहा था। अब भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी होंगी। अगर हम कोई भी एक्शन लेंगे तो थोड़ा बहुत पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो मतलब फंड तो चाहिए चाहिए ना। इस फंड के लिए मतलब ये फंड बनाने के लिए बेसिकली इस फंड का निर्माण है वो किया गया था, ताकि जो पैसे की कमी है इसको दूर है वो किया जा सके, इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है इनसे निपटने के लिए जो भी पैसा आएगा वो इस फंड के तहत है वो मिल जाएगा। बात करें हम इसकी कंट्री मेंबर कंट्रीज, तो 183 कंट्रीज के मेंबर हैं, इंस्टीट्यूशनल है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, और प्राइवेट सेक्टर भी बेसिकली इसमें शामिल है, तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड है वो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज और जो इसके साथ कुछ लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए है। और हम बात करें देखो डेवलप्ड कंट्री है उनको तो वैसे ही जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली तो हम वैसे ही इस फैक्ट को समझ सकते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे फोकस किया जाएगा और जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही अहम बात यह है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड है इसका ट्रस्टी कौन है, मतलब इसका ट्रस्टी है वो है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक है वो बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट का एक ट्रस्टी है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिंग का जो भी सारा काम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का वो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं कि वर्ल्ड बैंक का इसमें रोल वगैरह, क्योंकि एक तरीके से वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उज्बेक मकोम फॉर्म के बारे में जाना कि उज्बेकिस्तान में इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ मकोम है उसका आयोजन अभी वो भी किया गया था। मकोम है वो एक संगीत की एक आर्ट है या संगीत प्रणाली है, जिसमें इंडिया के कौन फेमस है, उस्ताद इकबाल अहमद खान जो कि दिल्ली घराने से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में जाना कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए सेक्रेटरी हैं कमलेश नीलकांत व्यास को अपॉइंट है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने जाना कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है, जो कि बेसिकली रिफाइंड डीजल है उसको इंडिया से बांग्लादेश में ट्रांसफर करेगा। इसके साथ ही हमने एक्साइज एवेंद्रा के बारे में जाना, जो कि इंडिया और रशिया के बीच की एयरफोर्स एक्साइज है। इसके साथ ही हमने ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में जाना, जो कि डैम की हालत को सुधारने के लिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड एक प्रोजेक्ट है।
इसके साथ हमने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड के बारे में जाना, और अभी एफएओ का जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानना, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कौन कौन से स्टेट को इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।